हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धातु रोग के बारे में बताऊंगी। ये क्यों होता है, इसे आप घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हो। अगर आप हो धातु रोग से परेशान तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको ये क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, आप घर पर बैठे बैठे कैसे ठीक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, धातु रोग को बहुत नाम से पुकारते हैं। इंग्लिश में इसे नाइट फॉल कहते हैं, वाइट डिस्चार्ज कहते हैं और हिंदी में इसे धात, धातु ये सब कहा जाता है। ये हमें क्यों होता है मैं आपको अब वो बताती हूँ। ये हर टाइम दोस्तों ज़्यादा गंदी बातें सोचने से, उत्तेजित बातें ज़्यादा सोचने से ये हमें होता है। और यही नहीं दोस्तों, ज़्यादा मसालेदार चीज़ खाने से, गर्म चीज़ खाने से, खट्टा ज़्यादा खाने से ये हमें होता है। कैसे होता है, अगर मान लो आप ज़्यादा गर्म चीज़ खाओगे, ज़्यादा खट्टा खाओगे, ज़्यादा मसालेदार खाओगे, हमारे पेट में जाकर वो गर्म पैदा करता है, डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता, टाइम भी लेता है, जिस कारण से हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है और ब्लड फ्लो जल्दी होता है, जिसके कारण से हमें वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। आप जैसे टॉयलेट जाओगे, टॉयलेट के टाइम वाइट डिस्चार्ज हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताई कि आपको ये क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, अब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। अगर मान लो आपका वाइट डिस्चार्ज कम होता है और ज़्यादा दिन से नहीं हो रहा है, लाइक एक महीना से हो रहा है, आप एक महीने से परेशान हो, तो मैं आपको पहले वो बताऊंगी, फिर मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि अगर आपको एक साल से है, आपको रोज़ होता है और ज़्यादा होता है, आप उसे भी कैसे ठीक करोगे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको एक महीने से हो रहा है और कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आपको ये जल्दी ठीक हो सकता है। कितने दिन में होगा आपको मैं वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये क्या है। ये हम लोग खाते हैं सीजनल, ये वेजिटेबल है, ये है भिंडी। भिंडी यानी कि लेडीज़ फिंगर। ये है भिंडी का स्टीम यानी कि टहनी। ये आपको टहनी यूज़ नहीं करना, आपको बेसिकली यूज़ करना है जड़ यानी कि रूट। आप भिंडी का जड़ को आप एक तरह से रामबाण बोल सकते हो, जो कि धातु रोग को ठीक करने के लिए 100% कारगर है। एंड इसे आप लगातार 10 दिन सिर्फ यूज़ करोगे ना, और कैसे करना मैं आपको वो भी बताऊंगी, 10 दिन के अंदर आपका धातु रोग चला जाएगा, अगर आपका धातु रोग एक महीने से हो रहा है तो। और दोस्तों यही नहीं, जब आप भिंडी के फायदे सुनोगे ना तो आप चौंक जाओगे। भिंडी डायबिटीज, पाचन, हृदय, कब्ज, आँखों के रोशनी को बढ़ाने के लिए, वजन कम करने के लिए, रक्त को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक रामबाण है। भिंडी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। धातु रोग तो ठीक करता ही करता है दोस्तों, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। अब तो मैं आपको भिंडी के फ़ायदे बता दी, अब मैं आपको बताती हूँ आप इसका यूज़ कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको भिंडी का जड़ ढूंढना है। अब आप सोच रहे होंगे भिंडी तो मिल सकता है, लेकिन भिंडी का जड़ हम लोग कहाँ से ढूंढोगे। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो भिंडी का जड़ आपको मिलना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में आजकल बागान या नर्सरी कम देखने को मिलता है। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो और आपको भिंडी का जड़ नहीं मिल रहा है, आपको नर्सरी भी नहीं मिल रहा है और आपको बागान भी नहीं मिल रहा है जहाँ पर वेजिटेबल उगाए जाते हैं, तो आप एक काम करना, भिंडी खरीद के ले आना। भिंडी में जो बीज होता है उसे सुखा लेना, धूप में सुखाने के बाद आप घर पर इसे लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, तो आप सुखा लेना बीज को, सुखाने के बाद आप बाल्टी में भी लगा सकते हो। भिंडी का पेड़ बाल्टी में भी उगता है और ज़मीन में भी उगता है, और उगने के बाद जैसे कि देखना कि उसका पेड़ बड़ा हो चुका है, भिंडी का पेड़ आप उखाड़ना, जड़ आराम से उसमें निकल जाएगा। अब आपको मिल गया भिंडी का जड़, आप इसे कैसे यूज़ करोगे। तो भिंडी का जड़ आपको मिल गया, अच्छी तरह से उसे धो लेना। धोने के बाद आप रात में क्या करना, पानी, पीने वाला पानी लेना और उसमें भिंगो देना, रात भर ऐसे छोड़ देना। सुबह उठना, जड़ में जितना भी पोषक तत्व होगा वो पानी में मिल जाएगा, और जड़ निकालना और उसे खाली पेट पीना। अगर आप लगातार 10 दिन इसे करते हो तो 10 दिन के बाद असर आप खुद देखोगे, जो आपका धातु रोग एक महीने से हो रहा होगा वो 110% ठीक हो जाएगा। दोस्तों आपको 5 दिन के अंदर ही असर देखने को मिल जाएगा, लेकिन 10 दिन के अंदर आपका पूरी तरह ये ठीक हो जाएगा। भिंडी का पानी पीने से आपका बॉडी को ना वो ठंडा प्रदान करेगा। दोस्तों आप ये भी देख सकते हो कि जब आप भिंडी को काटते हो तो उसमें स्टिकी स्टिकी टाइप का, चिपचिपा टाइप का निकलता है, तो धातु जो होता है वो भी स्टिकी स्टिकी चिपचिपा टाइप का होता है। तो भिंडी 110% धातु रोग को ठीक करने के लिए
रामबन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताई कि एक महीना से जो आपको हो रहा है और आपको कम हो रहा है तो आप कैसे ठीक करोगे। अब दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको एक साल से हो रहा है और ज़्यादा होता है, परेशान हो गए हो, और इससे क्या होता है ना, बॉडी में कमजोरी भी आ जाता है। आप एकदम से बैठ कर खड़ा हो गए तो आपको चक्कर आने लगता है, आँखों के सामने पूरा काला नज़र आने लगता है, कमजोर हो जाते हो, आपका बॉडी वीक हो जाता है। तो आप कैसे ठीक करोगे, एक साल से अगर आपको धातु हो रहा है यानी कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, नाइट फॉल हो रहा है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ भिंडी, ये तो है हरा भिंडी। आपको हरा भिंडी नहीं लेना है, आपको लेना है सूखा हुआ भिंडी जो कि इस टाइप का देखने में लगेगा अगर आप भिंडी को सुखा दोगे। तो आप सुखाओगे कैसे, तो भिंडी आप मार्केट से लेना, ले आने के बाद धूप में 5 दिन तक रखना। वो 5 दिन के बाद सूखने के बाद कुछ इस टाइप का लगेगा। आपको सूखी हुई भिंडी का ही इस्तेमाल करना है। तो आप इस्तेमाल कैसे करोगे, आपका सूख गया, सूखने के बाद आपको इसे कूट लेना है यानी कि मिक्सर ग्राइंडर में आपको पीस लेना है, या फिर आपके घर में ओखली हो उसमें भी पीस सकते हो। पीसने के बाद इसको आपको पहले पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद आपको इसमें ताल मिश्री आपको डालना है। ताल मिश्री कुछ इस टाइप का लगता है। अगर आप लोगों के लैंग्वेज में इसे कौन से नाम से पुकारते हैं आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग मेरे को कमेंट करते हो ना तो मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे से वीडियो बना पाती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसे आप कौन से नाम से पुकारते हो। अब दोस्तों आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि हमें ये कितने दिन तक यूज़ कर रहा है, और हम लोगों को भिंडी कितना लेना है, और हम लोगों को ताल मिश्री कितना लेना है। तो दोस्तों अगर आपका एक साल से आपको ज़्यादा होता है तो आप 20 दिन के अंदर ठीक कर सकते हो। तो 20 दिन के लिए आपको 20 सूखा हुआ भिंडी चाहिए, और आपको उसके क्वांटिटी के हिसाब से 1 चम्मच यानी कि 20 चम्मच आपको ताल मिश्री चाहिए। तो अगर आप 20 दिन के लिए बना कर रखना चाहते हो भिंडी का पाउडर, तो 20 दिन के लिए आप 20 भिंडी लेना, ले लेना 20 भिंडी को सुखा लेना, सुखाने का पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद अब आपको इसका सेवन कैसे करना है, मान लो आप इसका पाउडर बना लिए तो आपको रोज़ सुबह उठना है, 1 ग्लास ठंडा पानी ले लेना, और ठंडा पानी में जो आप पाउडर बनाए थे जड़ का आपको वो डालना है 1 चम्मच, और 1 चम्मच आपको ताल मिश्री डालना है। अगर आप गुट्टा ताल मिश्री डाल सकते हो तो वो भी डाल सकते हो, या फिर आप पाउडर बना के भी डाल सकते हो ताल मिश्री का। तो आपको अच्छी तरह से डाल देना है ये दोनों चम्मच, उसके बाद आपको खाली पेट पी लेना। आप इसे 20 दिन तक लगातार करोगे ना, जो आपको एक साल से हो रहा होगा धातु रोग आपका 110% ठीक हो जाएगा, आपको असर 10 दिन के अंदर ही आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आपको धातु रोग क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, और आप घर बैठे बैठे कैसे ठीक कर सकते हो। अच्छे से समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके लेकिन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना, और कमेंट कर बताना आपका ठीक हुआ या फिर नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।